जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो प्रेडिक्शन है 24 नवंबर 2017 राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपके चंद्र मेष राशि के अंदर है, एक नंबर के अंदर लिखा है, तो आपकी मेष राशि है। इसी हिसाब से चंद्र जिस नंबर के अंदर लिखा है वो आपकी राशि है। और स्टार्ट करते हैं आज का पंचांग। इस प्रकार है, विक्रम संवत 2076 माघशीष महीना की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि जो है तो सूर्य ग्रह का आपको दिन में 3 बार दर्शन करना चाहिए। ये षष्ठी तिथि थोड़ी भारी मानी जाती है और ख़ास करके जो मेष एवं वृश्चिक राशि वाले जातक हैं इनके लिए घात तिथि में आती है। तो मेष एवं वृश्चिक राशि वाले जातक हैं वो दिन में 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करें। मेष राशि के लिए प्रेडिक्शन इस प्रकार है कि आज 10वां चंद्र है, मकर का चंद्र है और श्रवणा नक्षत्र है। स्टार्ट होता है सुबह 10:03 से और शुक्रवार है आज। योग वृद्धि है एंड करण पौलव है और चंद्र राशि मकर है। तो मेष राशि में खास करके जो कोई भी जातक का जन्म ये भरणी नक्षत्र में हुआ है इनके लिए थोड़ा दिन आज चिंता टेंशन वाला रहेगा, क्योंकि आज आपका जो चंद्र है वो 10वें स्थान के अंदर विपत नक्षत्र में है। तो पिता से टेंशन मिल सकता है, जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और खुद का भी बिजनेस है तो थोड़ा सा चिंता टेंशन महसूस करेंगे अपने कैरियर के बिजनेस के अंदर। दूसरी राशि वृषभ राशि को दिन आज बहुत शुभ है, छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा। ब्रदर सिस्टर में खास करके सिस्टर्स से आपको ज़्यादा लाभ रहेगा। मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं उनको व्हीकल ड्राइव में केयर करना होगा, पानी से बचना होगा और फीमेल मेंबर्स के साथ बातचीत के अंदर आपको विशेष केयर करना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर। कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए दिन शुभ है, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी। सिंह राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए भी दिन शुभ है आज। सिंह राशि में खास करके जो कोई भी जातक का जन्म पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है इनको मैटरनल साइड की ओर से यानी कि मामा और मौसी की ओर से थोड़ा सा चिंता टेंशन आ सकता है, अन्यथा दिन आपके लिए शुभ है। खर्च आपके बढ़ेंगे, यात्रा प्रवास के अंदर आपका खर्च हो सकता है। कन्या राशि वाले जो भी जातक है इनके लिए भी दिन शुभ है, लव मैटर में सक्सेस रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। तुला राशि वाले जो भी जातक है इनके लिए दिन आज थोड़ा सा चिंता टेंशन वाला होगा। रिलेशनशिप में आपको केयर करना होगा अपने माता एवं पिता के साथ और यदि आप मैरिड हैं तो इन लॉस के साथ। वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए दिन आप बहुत शुभ है, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ रहेगा, नए साहस से आपको लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, भाई बहन से लाभ रहेगा और नए साहस जो भी आप करने जा रहे हैं इनमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धनु राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए भी दिन शुभ है, खास करके जो कोई भी जातक का जन्म धनु राशि में पूर्व षाढ़ा नक्षत्र में हुआ है इनके लिए दिन थोड़ा मध्यम फलदायी रहेगा। वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके अपने फैमिली के अंदर जो भी फीमेल्स मेंबर हैं उनके साथ वाणी में संयम बरतना होगा। मकर राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए दिन शुभ है, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बढ़ाएंगे। और कुंभ राशि के लिए चंद्र 12वें स्थान का चंद्र है, खर्च आपके बढ़ेंगे। और मीन राशि वाले जो भी जातक हैं इनके लिए भी दिन शुभ है, आपको स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, लव मैटर में सक्सेस रहेगा और संतान के लिए आपके खर्च हो सकते हैं। आज श्रवण नक्षत्र है तो आज का लकी कलर जो है वो वाइट रहेगा। घर से आपको राइस या मुरमुरे खा के निकलना चाहिए और हो सके तो आज आप बंदरों को खिलाइए। ऐसे ही देखते रहिए नए नए प्रेडिक्शंस हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि उनको भी ऐसे ही प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। जय गणेश।